So, let us now start with our next concept, which is volume expansion. Suppose, हमारे पास V volume का एक cube है. इस cube को heat करने पर इसका volume V plus delta V हो जाता है. तो यहाँ पर change in volume delta V होगा. And यह delta V होगा alpha V V delta T के equal. क्यूब का जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा v डैश विच इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस अल्फा v डेल्टा t. अल्फा v यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है. वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज अगर निकालें तो डेल्टा v बाय v को हम लिख सकते हैं अल्फा v डेल्टा t के इक्वल. अब हम अल्फा l एंड अल्फा v में रिलेशन निकालेंगे. यदि माना कि क्यूब के साइड की जो डायमेंशन है वो एल है तो हीट करने पर क्यूब की साइड हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल एंड वॉल्यूम हो जाएगा वी प्लस डेल्टा वी. सो हम लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन ऑफ द लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी और चेंज इन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी. वी डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब एंड वी की वैल्यू हम लिखेंगे एल क्यूब. सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल क्यूब प्लस थ्री एल डेल्टा एल स्क्वायर प्लस थ्री एल स्क्वायर डेल्टा एल. नाउ डेल्टा एल स्क्वायर एंड डेल्टा एल क्यूब विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एल. So, these two terms can be ignored in our calculation. So, we can say delta V is equal to 3L square delta L. Or, we can say delta V is equal to 3V into alpha L L delta T. Delta L ki value humne yahan pe substitute kar di hai. Upon L. L and L cancel ho jayenge. So, we can say alpha V V delta T is equal to 3V alpha L delta T. कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट अल्फा वी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स अल्फा एल. दैट मींस अल्फा वी विल बी थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा एल. कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड यह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. जैसे कि कॉपर के लिए अल्फा वी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अल्फा वी टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रहा है. इसकी वैल्यू हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाती है. यहां पर हमें टेबल में कुछ सब्सटेंस की अल्फा वी की वैल्यू दे रखी है. टेबल में हम देख सकते हैं कि पायरेक्स ग्लास और इनवार के लिए अल्फा वी की वैल्यू अदर सब्सटेंस के अल्फा वी की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है. इनवार आयरन एंड निकल का एक अलॉय होता है. टेबल में मर्क्यूरी के लिए अल्फा वी की वैल्यू 18.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 केल्विन वर्स एंड अल्कोहल के लिए अल्फा वी की वैल्यू है 110 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स. यानी कि टेम्परेचर में सेम राइज के लिए एल्कोहल ज्यादा एक्सपैंड होता है. अब हम आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर अल्फा वी फाइंड आउट करेंगे. हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होती है. क्योंकि पी यहां पर कांस्टेंट है इसलिए चेंज होने पर इक्वेशन हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी होगा. क्योंकि P यहां पर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज करने पर इक्वेशन हमारी हो जाएगी P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T. इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके एंड PV इज इक्वल टू म्यू आर T से म्यू आर अपॉन P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा T बाय T. अब डेल्टा V की वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा V
into V delta T. इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है अल्फा V is equal to 1 by T. यानी कि आइडियल गैसेस के लिए अल्फा V टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है. अब हम पानी के एनोमलस बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे. यहां पर एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और इसे हीट करते हैं और इसके वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ चेंज स्टडी करते हैं. जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री तक इंक्रीज किया जाता है तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है. फर्दर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व प्लॉट करते हैं. 4 डिग्री तक डेंसिटी इंक्रीज करती है एंड फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज करती है. यानी कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलती है. क्या आप बता सकते हैं कि विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होने पर भी पॉन्ड्स एंड लेक्स जब फ्रीज हो जाते हैं तो उनके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं? चलिए इसे हम एक एनिमेशन से समझते हैं. सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है. थोड़े टाइम बाद यह टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. ऐसा होने पर जो सरफेस का वाटर है वो कूल हो जाता है, वो एनर्जी लूज करता है. अभी हमने पढ़ा था ग्राफ में 10 डिग्री पे आने पे, दैट इज 16 से 10 डिग्री पे आने पे वाटर डेंस हो जाएगा. तो जो ये डेंस वाटर है ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा. नीचे की तरफ मूव होने से क्या होएगा, जो बॉटम पे वार्मर एंड लेस डेंस वाटर है वह सरफेस की तरफ मूव कर जाएगा. इस तरह की साइकिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलती रहेगी. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है. अब जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 2 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो सरफेस पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो मूव ही नहीं होगा एंड सरफेस पे सिर्फ आइस की लेयर दिखेगी एंड इस आइस की लेयर के नीचे हमें वाटर मिलेगा. इसके कारण जो जीव जंतु हैं सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं. सपोज हमारे पास एक पॉन्ड है जो कि एक लिक्विड से बना है विच इज नॉट वाटर. इनिशियली इसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T1 है. अब जब टेम्परेचर रिड्यूस होकर T2 हो जाएगा, जो सरफेस पे लिक्विड है वो एनर्जी लूज करेगा और वो कूल होने लगेगा. कूल होने के कारण वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और वो डेंस होके सिंक करने लगेगा, डैट इज वो नीचे की तरफ मूव करेगा. और जो नीचे का लिक्विड है विच इज वार्मर एंड लेस डेंस वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा और यह साइकिल चलती रहेगी. जब टेम्परेचर T3 हो जाएगा, डैट इज इट विल फर्दर रिड्यूस, तो जो टॉप लेयर है वो वापस और डेंस होके नीचे आ जाएगी एंड नीचे की वार्मर एंड लेस डेंस लेयर या लिक्विड ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा. ऐसे धीरे धीरे नीचे हमें सॉलिडिफाइड लिक्विड मिलना लगेगा एंड ऊपर की तरफ हमें लिक्विड मिलेगा. इस तरह थोड़े टाइम बाद पूरा का पूरा लेक सॉलिडिफाई हो जाएगा. और अगर इस लेक के अंदर कोई भी एक्वेटिक लाइफ होती, डैट इज अंदर कुछ प्लांट्स होते, फिशेस होती, टर्टल्स होते, वो सारी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती बिकॉज लेक पूरा सॉलिडिफाई हो गया है. अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. सपोज आपने एक मेटल रॉड ली और उस मेटल रॉड के दोनों एंड्स को टाइटली क्लैंप कर दिया है. क्लैंप करने के बाद हम इस मेटल रॉड को हीट करते हैं. अब आपको सोचना है कि ऐसा करने पे क्या होगा. इस बारे में आप लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं. एक मिनट का समय लीजिए, आपस में चर्चा करिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा. तो चलिए बच्चों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं. जब हम इस रॉड को हीट करेंगे
तो वह एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी। अब क्योंकि ये रॉड के दोनों एंड्स टाइटली क्लैम्प्ड है तो ये रॉड एक्सपैंड नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि ये एक्सपैंड नहीं हो पाएगी तो इसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इस कंप्रेसिव स्ट्रेन के डेवलप होने के कारण इस रॉड के अंदर एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण यह रॉड या तो बेंड हो जाएगी या फिर ब्रेक हो जाएगी। और यही कारण है जब बिल्डिंग्स में आग लगती है तो बिल्डिंग टूट के गिरने लगती है, क्योंकि जो उसके अंदर सरिया होता है, आयरन होता है, वह एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो वो सीमेंट को ब्रेक कर देता है एंड बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाती है। अभी तक पढ़ी हुई हमारी समरी इस प्रकार से है, इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब आपको अपनी एनसीईआरटी किताब एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।